हमारे साथ है अभी नवीन सिंह चौहान जी, जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज मोरी है, उसमें एक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है कक्षा 9 से और 12 तक के बच्चों को, ये स्टार्ट किया गया है नया इनिशिएटिव। तो चौहान जी बताइए, इस ट्रेड की पूरी जानकारी दीजिए और क्या इसका फ़ायदा है, कैसे इसकी परीक्षा और सब कुछ। जी सर, ये व्यावसायिक शिक्षा है सर, जो 2021 में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट बैच हमारा ही था। और ये चीज़ें सर हमारे यहाँ जो जेआईसी मोरी में है, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी ट्रेड चल रहा है सर। ठीक है। और विभिन्न प्रकार से और भी कॉलेजेस में ये ट्रेड चल रहे हैं हमारे उत्तरकाशी में, जैसे एग्रीकल्चर है, आईटी है सर, प्लम्बिंग है, तो बहुत सारी कोर्सेज है। बच्चों के लिए फ़ायदा सर ये है कि व्यावसायिक शिक्षा से वो नई चीज़ें, नई स्किल्स को सीख सकते हैं। और टूरिज्म में हमारे यहाँ हाउसकीपिंग के बारे में। अच्छा। हाउसकीपिंग में क्या है सर कि विभिन्न जो 5-स्टार होटल्स होते हैं या एयरपोर्ट्स होते हैं, क्रूज शिप्स हो गई सर, वहाँ पर जाके अपना करियर बना सकते हैं। बेस्ट चीज़ ये है सर कि हमारा जो रूरल एरिया है, गांव के जो बच्चे हैं सर, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, जो आगे जाके इन चीज़ों को मतलब नहीं कर पाते हैं, मतलब दूर रह जाते हैं इन चीज़ों से। तो ये होता है सर कि आप आगे जाके 12th के बाद अगर डिप्लोमा करना चाहता है कोई छात्र, तो उनको बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में फीस देनी चाहते हैं, और ये गवर्नमेंट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है बच्चों के लिए, फ्री में दे रहा है सर्टिफिकेट। तो अभी हमारे यहाँ 10th का जो पहला बैच पास होकर आ गया सर, उनके सर्टिफिकेट हम प्राप्त कर चुके हैं, जो हम अतिशीघ्र सर बच्चों को भी दे देंगे। तो इसमें हर बच्चे का कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, जो भी हमारी 9th क्लास में होगा, या कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो नहीं लेना चाहता? नहीं सर, ये सब्जेक्ट अभी ऑप्शंस में है। अच्छा। ऑप्शन में है यस सर, जो मतलब ड्राइंग और संस्कृत के साथ। अच्छा। कोई बच्चा ले सकता है। ठीक है। यस सर। और जैसे आपका अनुभव है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं? जी सर, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी भी हमारे पास 9th में 46 बच्चे हैं सर, और 11th में हमारे पास 43 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया जी सर। तो आपका इसमें डेली जो हमारा स्कूल का टाइम टेबल है, उसमें आपके लिए टाइम फिक्स किया हुआ है? यस सर, हम यस सर। और प्रैक्टिकल भी आप इनको कराते हैं? भी होते हैं सर। आपके लिए शायद मेरे ख्याल से कुछ मटेरियल भी दिया गया है इस ट्रेड के लिए? इसकी एक स्पेशल लैब है सर, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स है, सामग्रियां हैं, केमिकल्स है, तो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को यूज़ करना इनको सिखाते हैं। सर यूज़ करना सिखाते हैं, वो सिर्फ हाउसकीपिंग के बारे में। अच्छा। तो क्या किसी दिन आप अपना जो आपका 10th का बैच है, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ एक अच्छा सा डिमोन्स्ट्रेशन पूरी ड्रेस अपनी पहन के और वो कुछ सेटअप करके हमें दिखा दें, हम आएँ किसी दिन? जी सर जरूर सर, जरूर। तो करिएगा तैयारी, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने अपना पहला बैच पास आउट 10th क्लास किया है, और ये बच्चे 12th तक जाएंगे, और मैं इनका प्रमाण पत्र भी देख रहा था, एक प्रमाण पत्र भी हम देखते हैं। बड़ा अच्छा प्रमाण पत्र आया है बच्चों का, तो ये नवीन सिंह जी ही दिखाएंगे हमको एक प्रमाण पत्र। लीजिए, एक प्रमाण पत्र दिखाइए ज़रा, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो ये इधर को कर लो ज़रा, ये बड़ा अच्छा प्रमाण पत्र दिया गया है। देखो, इसमें भारत सरकार की तरफ से है ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। तो कितनी अच्छी फैसिलिटी हमारे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो 10th क्लास पास कर लेंगे, फर्स्ट स्टेज पास कर लेंगे, उनको ये वाला प्रमाण पत्र मिल रहा है, और उसके बाद 12th क्लास पास करेंगे तो उनको नेक्स्ट लेवल का प्रमाण पत्र मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग ट्रेड हैं, ITES है, हॉस्पिटैलिटी आपने बताया, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है जी सर, और कोई नई मैं मिस तो नहीं किया कोई ट्रेड? ऑटोमोबाइल है सर। ऑटोमोबाइल है यस सर। तो मतलब अगर इसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, और आप जैसे दक्ष लोग हैं, जो आपने अभी बताया कि आप भी खुद बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है और अभी बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका अपना अनुभव कैसा रहा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में? सर अनुभव ज़्यादातर मैं जो मेरी फर्स्ट वो थी सर जॉइनिंग, वो ताज बैंगलोर में थी सर। बहुत बढ़िया। वहाँ पर स्पेशल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में था। अच्छा। वैसे होटल्स इंडस्ट्री के 4 डिपार्टमेंट होते हैं सर, मैन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड प्रोडक्शन सर, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, बट मैं हाउसकीपिंग में कार्य कर रहा था सर। अच्छा। और लास्ट टाइम मैं JW मैरिट में एज एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था सर, जब यहाँ आने से पहले सर। बहुत सर अच्छा लगा। तो आपने रूरल बच्चों के साथ काम किया? जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर हमारा प्रयास करें, क्योंकि हम भी यहीं स्थानीय हैं सर यहाँ के। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट्स आने वाले छात्र छात्राएं हैं वो इस चीज़ में आगे बढ़े। और मैं खुद भी अभी मेरी अभी उदयपुर विजिट करके आया, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा होटल का, मैं भी रुका था वहाँ पे जी सर, कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। बहुत जरूरी सर, इसलिए है ना? इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रूमिंग्स और आपके बोलने का तरीका, ये भी है बहुत जरूरी है हॉस्पिटैलिटी में, प्राइवेट सेक्टर में सर। आप भी थोड़ा ऐसा प्रयास करते हैं बच्चों को ये कुछ बातें बताने का, टिप्स देने का? जी सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।